नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है ओम शांति ओम सिर्फ GNT माने गुड न्यूज टुडे पर। तो हम शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण के साथ और उसके बाद हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन थोड़ी सी सीधी, ठुड्डी छाती की ओर, आँख को बंद। लंबी गहरी सांस लें। शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आँख को बंद रखें, ठुड्डी छाती की ओर, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो बस आंख बंद करके हमारे साथ अब जुड़ जाएं 2 मिनट के लिए। अपने पूरे शरीर को शांत रखें, मन को शांत, और बस डिस्कनेक्ट हो जाइए जो आपके आसपास की सिचुएशंस हैं, अपने फ़ोन से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, जो भी चीज़ें आपको अपने आप से बाहर ले जा रही हैं उनको आप छोड़ के अपने अंदर की तरफ आप अपना दृष्टि लाएं। योग आसन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। ये ज़रूरी है कि हम बस 1-2 मिनट शांति से बैठे रहें योग आसन के अभ्यास के पहले। आराम से हाथ को मलें, अपने तलवे अपने आँख के ओर, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। आराम से आँख को खोल लें। चलिए, आज का एक ऐसा एपिसोड है कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। गुस्सा हम सबको ही आता है, लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कभी ना कभी ये तो होता ही है, पर इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा भी ऐसा होता है कि कभी कभी ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है इस दुनिया में। पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग गुस्सा दिखा भी सकते हैं पर हम लोग अंदर फील नहीं करें। एक मेरे गुरुजी थे स्वामी चिन्मयानंदा, वो मुझको बोला करते थे, गुस्सा आपके अंदर एक टूल बॉक्स है जिसको आप यूज़ करें पर अपने आप को अब वो अफेक्ट ना करने दें। तो आपके बीच में और गुस्से के बीच में एक शील्ड होनी चाहिए कि मतलब आप इसको यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, पर गुस्सा जब आपको अफेक्ट करने लगे, गुस्सा जब आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने लगे, फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर रोग पैदा होता है। क्या रोग पैदा होता है? एक तो स्ट्रेस का रोग पैदा होता है, और जब बॉडी स्ट्रेस के मूड में हो जाती है तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर शुरुआत हो जाती हैं, और ओवर टाइम वो गुस्सा से क्या होगा, हाई बीपी होगा, हाई बीपी से क्या होगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ने से क्या होगा कि एक दिन हार्ट अटैक आएगा। तो आप ये सोचें कि एक दिन ये जो आप गुस्सा कर रहे हैं आपके ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसलिए हमको ऐसा करना है कि गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल पे रखना है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि गुस्से को बिल्कुल हटा दो तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि गुस्सा भी एक ह्यूमन इमोशन होता है और ये ह्यूमन इमोशन को हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बेनिफिट करने के लिए।
अगर हम गुस्से को यूज करें पर हमको अपने आप को अफेक्ट ना करने दें तो वो ही होता है एक गुस्सा का पॉजिटिव वर्जन। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब एक बच्चा बार बार वही मिस्टेक करें, अगर वो नॉटी बने या अगर कोई मिस्चिफ करे, और अगर उसकी मम्मी उसको थोड़ा से ज़ोर से नहीं बताती हैं तो वो बच्चा शायद से कभी नहीं सुने। तो मदर को चाइल्ड को एक्सप्रेस करना पड़ता है कि देखिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ आप पे, बट दैट एंगर शुड नॉट अफेक्ट द मदर देमसेल्व्स। वही एक होता है गुस्सा का अच्छा यूज़। तो आज हम एपिसोड में ये देखेंगे कि गुस्से को हम लोग एक पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज़ करें, उसका मतलब कि दूसरी ओर से भी लोग समझ जाएं और हम अपने आप को वो गुस्से को अफेक्ट ना करने दें, क्योंकि अपने आप से और गुस्से से हमको एक शील्ड बनानी है बीच में। तो जो भी आप करते रहें वो आपके अंदर वाले सेल्फ को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, और ये हो सकता है योग के द्वारा, क्योंकि एसेंशियली योगा हमको कंट्रोल समझाता है। योग हमको ये समझाता है कि अगर हम अपने फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर लें, अगर हम अपने सांस को कंट्रोल कर लें, तो फिर इससे हम अपने माइंड और इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, योग सभी को हमारे कंट्रोल में ले आता है और ऐसा स्थिति कर देता है कि हम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं पर हमको अंदर से बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। तो आज हम ये योग आसन देखेंगे जो इतने सिंपल होते हैं, बट थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस आप ऐसी स्थिति बना रहे हो कि जो भी हो रहा हो आपके इमोशनल बॉडी में, वो आपके स्पिरिचुअल बॉडी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा और वो आपके फिजिकल बॉडी को भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। तो आज के एपिसोड में आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो आप अच्छे से फोकस तरीके से देखें। सबसे पहला आसन है हमारा बाल आसन। इतना सिंपल आसन है, सब लोग ही इसको कर सकते हैं। तो अब आराम से आप अपने घुटने पे आ जाएं और ऐसे बैठें। अगर ये आपके लिए मुश्किल है, अगर आपकी एड़ी में कुछ अड़चन है, आपके घुटने में कुछ अड़चन है, आप अच्छे से कुशन लगा लें। अपने एड़ी के नीचे भी आप कुशन लगा सकते हो, या आप एक ऐसा बोलस्टर अपने नीज के बीच में ला सकते हो। तो यहाँ पे एक बोलस्टर हो, उसके ऊपर आप बैठ जाओ। हर योग के आसन के क्लास में आप थोड़ा सा कुशन्स हैंडी रखें, खास तो अगर आपको कुछ घुटने की प्रॉब्लम है या एंकल्स की प्रॉब्लम है। यहाँ से हम अपना बस माथा ज़मीन पे लाएंगे और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। जो पाम्स हैं हमारे वो आसमान की ओर। आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल आसन है, पर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि लोग इसमें टिक नहीं पाते हैं इस आसन में। पर यहाँ पे टिक के आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, इनहेल एंड एक्सहेल। आपको फील करना चाहिए कि आपकी छाती ऊपर जा रही है, आपकी छाती नीचे जा रही है, और इसी तरीके से हम थोड़ा सा हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे थोड़े समय के लिए आपको ठहरना है। अब आप अपना सीधा हाथ ऊपर ले आए और उल्टा हाथ आप सीधे हाथ के अंदर से लें और थोड़ा सा आप अपने उल्टे उंगलियों को देखें। यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। बस आंख को बंद और थोड़ा सा पोज पे आप ध्यान रखें। एटलीस्ट 5 ब्रेथ्स ऑन ईच साइड। और वही चीज हम दूसरे साइड पे करेंगे। उल्टा हाथ सीधा, सीधा हाथ अंदर, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अच्छे से हाथ को ऊपर खींचे। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपकी छाती थोड़ी सी खिंच रही है, तो आपको ये समझ में आएगा जब हमारी छाती थोड़ी सी खुलती है यहाँ पे, तो हमारे हार्ट मसल्स थोड़े से रिलैक्स होंगे। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, और इसी तरीके से आप हाथ को खोल लें, वापस ऊपर आ जाएं। और इसी का एक और वेरिएशन
अपने लेग्स को थोड़ा सा खोलें, हाथ पूरा खोलें, छाती को अच्छे से खोलें, हाथ को स्ट्रेच और फिर आराम से आप नीचे आ जाएं। माथे को नीचे टेकें, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपके टाइट हिप्स हैं तो आप इसको एक बोस्टर के साथ करें। लंबा घना सांस, अंदर और बाहर, एटलीस्ट 10 ब्रेथ्स लेने हैं आपको यहाँ पे, 10 सांस अंदर और बाहर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आसन को बिल्कुल जल्दबाजी से नहीं करना है, हमको लंबी गहरी सांस लेनी है। जब हम अपने सांस को कंट्रोल करते हैं हम अपने माइंड को कंट्रोल कर देते हैं और हम एक अंदर की शील्ड बना लेते हैं और ये शील्ड हमको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये शील्ड बनाने के लिए आपको हर आसन स्लोली एंड विद कंट्रोल यूजिंग योर ब्रेथ। और यहाँ से आप ऊपर आ जाएं और हम लोग करेंगे अब अध्व आसना। तो आप नीचे लेट जाएं और अपना माथा फिर से नीचे ले आएं और हाथ आगे और एक नमस्कार मुद्रा में ले आएं और यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच करें और यहाँ पे लंबा गहरा सांस, 10 सांस अंदर और बाहर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम धरती से अपना माथा लगाते हैं तो एक बहुत सूदिंग कामिंग एनर्जी हमारे अंदर जागृत होती है। इसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग इफेक्ट। जो धरती की प्राण होती है इससे हम ऊर्जा ले सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने आप को सूद कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम धरती की प्राण के साथ। इसलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह आप नंगे पैर थोड़ा सा चलिए, क्योंकि ये धरती की जो प्राण है हम इसको कभी, जो धरती की प्राण है हम इसको एक बेहतरीन तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आराम से ऊपर आ जाएं और फिर हम शवासन में नीचे ले जाते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ शवासन का, इसका भी एक तरीका होता है। शवासन एक कॉमन आसन होता है पर हम इसको ठीक से करते नहीं हैं। आप पहले नीचे ऐसे लेटे हैं कि आपके एल्बो साइड में, आपके लेग सीधे और यहीं से आप, इसी से आप अपने हाथ ऐसे साइड में खोलें और पैर को थोड़े से साथ साथ फैलाएं। तो ये है करेक्ट पोजिशन शवासन की। हाथ की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, लेग्स की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। मैंने क्लास में काफ़ी देखा है कि लोगों के पैर एकदम पास, ये सही नहीं है। पैर थोड़े से दूर होने चाहिए और हाथ जो है प्रॉपरली दूर और पाम्स हमारे ऊपर की तरफ, ठुड्डी थोड़ी सी छाती की ओर और जो हमारी बैक ऑफ द नेक है ये बिल्कुल ज़मीन पर आनी चाहिए। यही है शवासन की करेक्ट पोजिशन। और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेनी है। अगर आपके एक पोनीटेल बंधी है तो आप इसको खोल दें, चोटी ठीक रहती है इसके लिए, क्योंकि अगर नेक के पीछे कुछ अड़चन नहीं आनी चाहिए, आपकी गर्दन के पीछे, तो गर्दन के पीछे कुछ अड़चन नहीं आनी चाहिए। जो सिर है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए धरती पे, यही हमारे स्पाइन को करेक्ट अलाइनमेंट देता है। शवासन एक योग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन होता है और ये काफ़ी टफ भी होता है। हमको लगता है कि बड़ा आसान है, सब लोग शवासन कर पाते हैं, परंतु शवासन में इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम जानते नहीं हैं। और एक माइंड को, एक बिल्कुल जो एक डेड बॉडी होती है उसकी स्थिति में लाने के लिए भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है ये। तो शवासन के द्वारा हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे स्विच ऑफ कर सकते हैं पूरी दुनिया की नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है। हम अपनी माइंड और बॉडी को एक डेड मैन की तरह कर सकते हैं, एक मरा हुआ आदमी, और यही हमको शवासन सिखाता है। आप अपने आप में एक ऐसी स्थिति ले आएं कि आप एक निर्जीव इंसान की तरह लेटे हुए हैं और आप अपने आप को सब नेगेटिव इमोशंस से ऐसे बचा सकते हैं। यहाँ पे आप
पांच मिनट, दस मिनट, बीस मिनट और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और यहां से आप पैर को पास में ले आए राइट ओर और पूरा ऊपर आ जाए। आराम से यहाँ बैठ जाए आप। और अब हम जाएंगे सांस की ओर। तो फिजिकल पॉस्चर्स तो हमने सीख लिए हैं, अब हम ये देखेंगे कि हम अपने सांस के थ्रू अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस वक्त पे थोड़ा सा आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है? आप नोज़ के थ्रू ब्रीथ करिए और आप जब सांस को निकाल रहे हैं तो एक साउंड क्रिएट करिए अपने थ्रोट से ऐसे। एक और बार। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ा सा मैंने अपने थ्रोट को कंस्ट्रिक्ट किया है, हमारे ग्लॉटिस को। अपने हाथ को अगर कान के ऊपर ले आएं तो ये बहुत कामिंग हो जाता है हमारे लिए। इसको हमको पांच बार करना है मिनिमम। तो चलिए पांच बार हम साथ साथ कर लेते हैं। हाथ को कान के ऊपर, आंख को बंद, इनहेल। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। तो ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। ये ऐसा प्राणायाम है कि आप इसको आप चलते वक्त भी कर सकते हैं। बस आराम से आपने वो आवाज बनाई और एकदम से पूरा माइंड स्टिल हो जाता है। इससे भी सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि जब हम गुस्सा होते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हम बिल्कुल सांस लेना बंद कर देते हैं। जब हम डर जाते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं और जब हम उदास होते हैं, सांस हमारी बिल्कुल बंद। जब हम खुश होते हैं, जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो ब्रेथ है, सांस बिल्कुल लंबी रिलैक्स हो जाती है। छोटे से बेबी को देखिए, उनकी सांस कितनी लंबी होती है। उनके पेट को देखिए, उनके पेट से वो लोग सांस लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट तरीके की ब्रीदिंग होती है एक छोटे से बच्चे की। क्या होता है कि जब हम एज में बढ़ते जाते हैं, हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, सिचुएशंस आता है, तो हमारी सांस जो है छोटी 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 होती रहती है। तो इसलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने ब्रेथ को आप एक्सटेंड करिए, अपने सांस को आप लंबी करिए। ये नहीं कोशिश करिए कि बड़ी सी सांस लो, नहीं। आप ये कोशिश करिए कि एक सांस को आप लंबा करें और फिर सांस को आप लंबे से एक्सहेल करें। यही आपको एकदम से रिलैक्सेशन डालेगा, क्योंकि आपके जो मूड्स हैं आपके ब्रेथ से लिंक्ड होते हैं। ये मेरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया और इस एपिसोड के थ्रू आप थोड़ा सा अपने एंगर को मैनेज कर पाएंगे। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।